नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के अलर्ट में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा आयोजित 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं और उसके अलावा जो नॉन बोर्ड की जो कक्षा हैं, कक्षा 1 से लेकर 7, 9 व 11। देखो लॉकडाउन लगने से पहले कक्षा 5 की जो थी वो एग्ज़ाम, 5th क्लास की एग्ज़ाम तो स्टार्ट हुई नहीं थी, और 8th क्लास के जो दो पेपर बाकी थे, इसके अलावा 10th क्लास के दो पेपर बाकी थे, और 12th में साइंस में मैथ का नहीं हुआ था और बायो के कंप्लीट हो गए थे, और आर्ट्स के भी दो पेपर बाकी थे। तो इसी को मध्य में नज़र रखते हुए मैं आज अपना एक वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को शेयर करना है वो सभी को दोस्तों के साथ। तो देखो कल के जो पेपर के तो जो न्यूज़ निकल के आई हुई है कि बोर्ड को छोड़कर अन्य परीक्षा रद्द कर अगली परीक्षा में दे सकते हैं प्रवेश शिक्षा मंत्री, यानी बोर्ड एक तो चलो ठीक है 5th क्लास है, 8th क्लास है, 12th क्लास है और 10th क्लास है, इन बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर अभी तो भाई ये तो DIET के अंदर आती हैं और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आती हैं। देखो अपन न्यूज़ पढ़ते हैं पहले। शिक्षा विभाग लॉकडाउन के चलते बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं को परीक्षाओं निरस्त कर सकती हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो 14 अप्रैल के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें निर्णय किया जाएगा कि कक्षा 1 से 7वीं 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाएं निरस्त करें या नहीं। डोटासरा ने बताया कि प्रदेश भर में सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए CBSE बोर्ड की तर्ज पर अप्रैल माह से ही तैयारी हो जाएगी की जाएगी। इसके लिए CDEO, DEO, CBEO, PEEO प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को अभिभावकों से सीधे जोड़ने का कार्य करेंगे। ये जो है शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अपना वर्ण विचार अपने आप शब्दों में व्यक्त किया है। अब बात करते हैं अपन जो दूसरा नोटिस है उसकी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अशोक श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी के ट्विटर पर। उन्होंने क्या है कहा है, साथ ही 10वीं 12वीं परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए। VC के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र की स्थिति आगामी सत्र की तैयारी की समीक्षा की जाए। देखो अशोक गहलोत जी के जो ट्विटर पे जो बात आई है वो है कि भाई 5th क्लास 8th क्लास के बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होंगी, 10th और 12th क्लास के बोर्ड की एग्ज़ाम होगी। इसके अलावा जो भी कक्षा बची हुई है, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, इसके अलावा 8 भी है और 5 भी है, यानी कक्षा 1 से लेकर 9, 11 की विद्यार्थियों की एग्ज़ाम नहीं होगी, इन्हें सीधा क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 10 और 12 के बोर्ड की एग्ज़ाम होंगी, ये अभी बताया नहीं है कि कब होंगी, जैसे ही बताएंगे हम आपको हमारे चैनल पे ज़रूर बताएंगे। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ पल पल की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट rklr.in पे भी आ सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी हम काफ़ी सारी लेटेस्ट खबरें आपके लिए लाते रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ नीचे, ऐसे नीचे चलेंगे आप, और नीचे आएंगे
आप अगर इनके अंदर अगर नीचे आएंगे तो आपको राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी, एट क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट हो गया भाई, 10th और 12th क्लास की एग्ज़ाम कब होंगी, तो मैं बता दूं कि भाई अप्रैल में तो किसी भी हालत में नहीं होंगी, मई में हो सकती है, संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अप्रैल में के अंदर अगर लॉकडाउन पूरा हो जाता है तो अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती हैं, अप्रैल के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकती है मेरे हिसाब से, और जून के अंदर आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। ठीक है, देखो स्कूलों का सेशन तो गड़बड़ाएगा ये तो श्योर है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमने बता नहीं सकते, श्योर नहीं बता सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक नोटिफिकेशन क्या, आप एक और लेके चलता हूँ मैं आपको, एक ये नोटिफिकेशन में निकल के आ रहा है, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉकडाउन जारी रहने तक अग्रिम फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल, जब तक लॉकडाउन जारी नहीं होगा, लॉकडाउन जारी है जब तक जितने भी महीने होगा उतने महीने की स्कूली वाले फीस नहीं ले सकते हैं, अगर कोई भी स्कूल वाला फीस लेता है तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, 10वीं 12वीं को छोड़कर शेष सभी स्कूली छात्र कर्मोन्नत होंगे, मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष सभी स्कूली छात्र यानी 1 से 9 और 11 के विद्यार्थी सीधा प्रमोशन मिलेगा, उनको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे जयपुर 9 अप्रैल मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूलों संचालकों को विद्यार्थियों के 3 माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के लिए निर्देश दिए हैं, विद्यार्थी के हित में यह फैसला करते हुए उन्होंने कहा है कि फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटा जाए, साथ ही 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी, देखो ये रहा, साथ ही 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में कर्मोन्नत किया जाएगा। श्री अशोक गहलोत जी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र की स्थिति और आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में यथासंभव ऑनलाइन लेक्चर तथा ई लर्निंग की व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरस्त बनी रहे और वे घर पर रहकर भी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नीचे उन्होंने और भी कहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप देख भी सकते हैं क्या कहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है तकनीकी विश्वविद्यालय के 8वें सेमेस्टर परीक्षा प्राथमिकता से, और जो दूसरा पॉइंट है उनका परीक्षाओं के शेड्यूल और आगामी सत्र के लिए 5 सदस्यीय समिति और सभी कक्षाओं के ऑनलाइन उपलब्ध या पढ़ सकते हैं, और ये दे रखा ई कंटेंट के लिए यूट्यूब चैनल तैयार करें। अगर आपको 10वीं और 12वीं के जो मैथ्स के पेपर रह गए थे उनको अगर आपकी क्लास चाहिए तो हम आपके लिए क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी पेपर आपके बाकी रह सकें आप हमें ज़रूर बताएं। और कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जिन भी विषय के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बताएं कि भाई सब्जेक्ट में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक नहीं आ रहा है, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है ये सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले ये पूरी जानकारी। और आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो आपको वेबसाइट बताई थी आप इस वेबसाइट पे आके लेटेस्ट खबरें चेक कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगा, तो थैंक यू,
गुड बाय, टेक केयर।